तनवीर ने डेली न्यूज़पेपर की प्रेस को बम चढ़ा दिया। ओह माय गॉड, इस तनवीर का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दो। मुझे किसी भी हालत में तनवीर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ओके सर। तनवीर भाई, हम लोग इस लड़की को उठा लाए हैं। तनवीर, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और फूटने वाला है। हिंदुस्तान की पाप धरती पर तूने जो कहर बरसा है वो तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। अगर अपने आप की खैरियत चाहते हो तो कानून के हवाले हो जाओ। खामोश खामोश कानून का नाम नहीं लेना मेरे सामने। क्या दिया इस देश ने मुझे? भुखमरी, गरीबी। अरे इस देश ने अच्छा तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसने मुझे पैसा दिया, हथियार दिए, जिन हथियारों के बल पर मैं यहाँ की आवाम पर हुकूमत करूंगा। जब जब तुम जैसे दरिंदों ने आवाम पर जंग किया है तब तब भगवान किशन ने अवतार लिया है और तुम जैसे दरिंदों को खत्म किया है। और मेरा विश्वास है कि भगवान किशन आएंगे, तुम्हें खत्म करने के लिए जरूर आएंगे। अरे चल, कोई अवतार लेकर भगवान नहीं आएगा। ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग में कोई भगवान अवतार लेकर नहीं आता।
कलयुग में तो सिर्फ हम जैसे शैतान पैदा होते हैं जो अपने दिमाग की ताकत, अपनी दौलत की ताकत और अपने हथियारों से आवाम को डरा कर उन पर हुकूमत पैदा करते हैं। और देख लेना, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। मगर अफसोस कि तुम मेरी हुकूमत देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी, ना ही हिंदुस्तान की बर्बादी देखने के लिए जिंदा रहोगी। तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा, तुम्हारी तकदीर में तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी लिखी है। मैं तेरा इरादा कभी पूरा नहीं होने दूंगी, छोड़ दे। मेरे बारे में अखबारों में लिखती है? अब बता तेरा क्या काम। तेरे बारे में अखबार में लिखा था, तेरा पलट कर हुआ लिख रही है अखबार में। देखो कौन आई हेलीकॉप्टर ने जैसे हमारी पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया। कौन है? चलो चलो बढ़ा दो हेलीकॉप्टर को। मिटा सके दुश्मन हमें ये दुश्मनों में दम नहीं। तेरा बुजदिल देश ये जानता है कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं। तो तू है? अरे तू तो एक मामूली सा आदमी है, तू हमें क्या खत्म करेगा? हाँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। इतिहास गवाह है कि जब भी इस देश पर संकट आता है तो मामूली से मामूली हिंदुस्तानी भी अपनी जान देश पर कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। अब तो देख ये हिंदुस्तानी तेरा क्या हाल करता है। अच्छा चल देख लेते। मारो लो सब। मैं आऊं, ये आखिरी है।
धूड़ों से जाओ। हिंदुस्तानी बनता था ना, अब बोल तनवीर जिंदाबाद, बोल तनवीर जिंदाबाद, अब बोल पड़ोसी मुल्क जिंदाबाद, बोल पड़ोसी मुल्क जिंदाबाद, अब बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोल तुम्हारा मुल्क जिंदाबाद रहे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, नहीं बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल बोल और जोर से बोल, मजा नहीं आया, और जोर से बोल, मजा नहीं आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई चोट तो नहीं लगी किसी को? डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा एक्टिंग किया तुम्हें, बहुत अच्छा आपने तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बीच बीच में थोड़ा शॉट रह गया, थोड़ा डायलॉग रह गया। असिस्टेंट तुम साहब को डायलॉग समझाओ, मैं कैमरा मैन से सीन समझा के आता हूँ। डायलॉग है शुरुआत में कैसे कैसे उसको बोल रहा है? हाँ बोलो डायलॉग क्या? वो बोलते हैं कि अरे यार वही डायलॉग बोलता रहेगा, मैं कब डायलॉग बोलूंगा, कमाल का सर। यहाँ पर बम फटते हैं, उसके बाद बम फटने का जैसे ही आप आगे आते हैं तो अचानक, अरे ये लड़की कौन है? पता नहीं सर जी। अब तो जाके पता कर, जरा कंघा देना, जाके पता कर, मेरे को डायलॉग समझाना छोड़। देख अगले हफ्ते उठी जा रहा हूँ, उसे बोल के मेरे साथ चले, थोड़े बहुत पैसे दूंगा और छोटा मोटा रोल भी दिलवा दूंगा, समझा? सर जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, लड़कियों का दलाल नहीं, ये आप अपना काम खुद कर लीजिए। अबे अबे मेरे को मना करता है? हाँ मेरे को अमन कुमार दास स्टार को मना करता है? निकलवा दूंगा तुझे। ए डायरेक्टर इधर आओ। आया जी, आया आया अभी आया। इधर आओ। अरे यार इधर आओ ना, देखो अगर इस सेट पे काम करेगा तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा, समझ गए? पट रहे पट रहे पट इधर दिए ये, अब तो कुछ ना जी आप। थैंक यू थैंक यू। चलो काम करो, मैं आता हूं। मैं ये कहां चली गई? We'll be right back.
गंदा है अगर धंधा है। ओ करिश्मा जी, I am very sorry. मैंने सोचा आप करिश्मा कपूर हैं। वैसे पीछे से आप बिल्कुल करिश्मा कपूर लगती हैं। ओह थैंक यू। वैसे आप भी किसी हीरो से कम नहीं हैं। थैंक यू जी। मेरे को लगता है मैंने आपको कहीं पिक्चर में देखा है या फिर किसी स्टूडियो में शूटिंग करते देखा है। कहीं आप वो तो नहीं जो परसों इसी स्टूडियो में ऋतिक रोशन के साथ शूटिंग कर रही थी? आप ऋतिक रोशन की नई हीरोइन तो नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। कमाल है, आप तो एकदम करिश्मा कपूर लगती है। वैसे माना नहीं, आप में भी हीरोइन मटेरियल है। अगर आप चाहें तो आप भी टॉप की हीरोइन बन सकती हैं। सच? हाँ, अरे अपुन तो देखते ही पहचान जाता है। वैसे अपुन का नाम आजम भाई है, अपुन कलाकारों का सेक्रेटरी है। मैंने कई सड़क छाप लड़कियों को टॉप की हीरोइन बनाया है, लेकिन क्या बताएं, सबने अपुन को धोखा दे दिया। अरे हीरोइन बनते ही अपुन को पहचानने से इनकार कर दिया। खैर क्या, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। अगर आप चाहें तो आपको भी टॉप की हीरोइन बना सकता हूँ। रियली? अपुन की पहचान बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर से है। वो क्या है की अभी एक फोन मारेगा ना तो लाखों का धंधा छोड़कर सारे प्रोड्यूसर इधर मिलने के वास्ते आएगा। हाँ, अभी अभी अपुन के मोबाइल पर फोन आया था प्रोड्यूसर का, बोला आजम भाई एक पिक्चर बनाने का। मैंने कहा बनाओ भाई। बोला नहीं, अपुन को नई हीरोइन चाहिए, अगर आप चाहो तो आपको उसे मिलवा सकता हूँ। आपके पास 1 रुपए का क्वाइन है? अपुन के पास छुट्टा नहीं है, 500 का नोट है। लेकिन आपका मोबाइल चोरी हो गया ना, इसी के वास्ते तो टेंशन में घूम रहा है अपुन। आप क्वाइन देना, बाद में अपुन उसको आपको वापिस कर देगा। हाँ थैंक यू। अरे कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हें 25 अरे वाह, रो जाने करो। अरे बजने दो फोन की घंटी। हेलो सर जी, मैं आजम बोल रहा हूँ। हाँ बोल, बोल रहे थे। सर जी आप भी, सर जी रायपुर से एक लड़की आई है हीरोइन बनने, सारी बातें हो गई है सर जी, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अरे आपके साथ 1 हफ्ते के लिए खंडाला भी जाएगी, पिछली बार मैंने आपके साथ रोजी को भेजा था ना, ठीक उसी तरह। ठीक है कल ले आओ उसे ऑफिस में, आज मैं डायरेक्टर के साथ बिजी हूँ। सर जी आपका डायरेक्टर तो आउटडोर गया हुआ है। अबे तू अपनी बात बोल, अपनी बात। सर जी बहुत कड़के चल रही है, आज मिल लीजिए ना। अरे समझना, मैं दूसरे के साथ भी बिजी हूँ, कल दोपहर को ऑफिस में लेके आ जा। ठीक है सर जी, मैं कल सुबह दफ्तर लेकर आ जाऊंगा। गंदा है मगर गंदा है। चल हट साला, हीरोइन बनाने की झांसे देता है, कल दूसरे के साथ रोमांस करेगा। अरे जाना अंदर दूसरी। सपना जी, अरे आपका किस्मत तो बहुत अच्छा है, आपका नाम सुनते ही प्रोड्यूसर ने बोला कि आजम भाई तुम बोलो तो अभी साइन कर लेगा अपुन। अपुन ने बोला आज नहीं सपना जी, आज बिजी है। वो क्या है कि थोड़ा बहुत भाव खाना पड़ता है। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? मैं होटल सेंटर में ठहरी हूँ, रूम नंबर 104। ठीक है, कल सुबह मैं फोन करके आ जाऊंगा, नंबर है होटल का मेरे पास। ओके अच्छा मैं चलती हूँ। सपना जी आपके पास 200 रुपए होंगे, मैं वो वापस कर दूंगा ना आपको। वो क्या है कि सुबह किसी ने पॉकेट मार लिया। आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा रहा, आपका मोबाइल भी खो गया, आपकी जेब भी कट गई। होता है ऐसा होता रहता है। वैसे मैं कहूँ तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप मिल गए ना, देखना आप टॉप की हीरोइन बन जाएंगी। लेकिन आप बाकी हीरोइनों की तरह बड़ी हीरोइन बनते मेरे को मत भूल जाएगा। 200 रुपए दीजिए। ओके मैं आपको सब वापिस दे दूंगा। ओके और हाँ, आप यहाँ से सीधा होटल जाइएगा, आराम कीजिए, टेंशन मत लेना। यहाँ पर बहुत सारे फालतू लोग घूमते रहते हैं जो आपको झूठे सपने दिखाएंगे, उनकी बातों में मत आना। ठीक है सीधे होटल जाइए। ओके बाय बाय। गंदा है मगर धंधा है। क्या कल ही आई मुंबई में? सर एकदम नहीं है, कल ही मैं इसे स्टेशन से लेकर आया हूँ। कल मैं इसे लेकर फिल्म सिटी गया था, वहाँ वो चिकना हीरो है ना अमन कुमार, वो तो इसके पीछे ही पड़ गया था। अरे नहीं यार, वो तो आउटडोर शूटिंग पर गया है। गया था लेकिन कल सुबह आया महाराजा की शूटिंग करने और वापस शाम के फ्लाइट से चला गया। अरे लेकिन सुनने में आया कि वो अपनी बीवी के अलावा दूसरी लड़की पर आंख उठाकर नहीं देखता। सर ऐसा मैगजीन में छपता होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा आपने। असल में तो इतना ठरकी है कि अपनी हीरोइन को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अरे जाने दे यार, तू ये बता कि तू अपनी हीरोइन से कब मिला? अभी लाया रहा है। 1 मिनट जल्दी जल्दी लेके आ जल्दी। सपना जी समझ लो काम हो गया, आप हीरोइन हो गई, क्योंकि इसी ने कहा
आजम भाई तूने कहा तो हिरन बना ही देता हूँ। सच? मगर उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। नहीं देखा? अपुन है ना, अपुन ने ऐसा गोटी फिराया, मतलब आपकी ऐसी तारीफ की कि वो आपके ऊपर दीवाना हो गया। छोटा सा स्क्रीन टेस्ट लेगा, लेकिन घबराने का नहीं, तुम अपने आप को संभाल लेना, समझो आप हीरोइन बन ही गई। जरा 500 रुपए देना। मन्नत, मन्नत बेबी, मैंने मन्नत मांगा था कि तुम हीरोइन हो जाओगी तो मैं गरीबों को 500 रुपए का खाना खिलाऊंगा। बेचारे खाना खाएंगे दाहिने हाथ से। थैंक यू बेबी, जाते ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा 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 सर्दी हीरोइन। बहुत 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 खूबसूरत है। सर्दी सर्दी आप इनका स्क्रीन टेस्ट ले लीजिए और मुझे 2000 रुपए दे दीजिए। 2000 रुपए? सर मैंने आपको बताया था ना मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसको पैसे भेजने हैं मुझे। तुमने कब बताया था? बेबी जी हमारा योगेश जी का लेन देन चलता रहता है। तुम भी कमाल करते हो यार, लड़की के सामने पैसे देने में शर्मा रहे हो। मेरा कचरा कर दिया, मुझे पैसे दे दिए, मुझे मनी ऑर्डर करना है। अरे ले ले। थैंक यू थैंक यू। योगेश जी और मेरा लेन देन चलता रहता है। अच्छा जी आप स्क्रीन टेस्ट लीजिए, मैं चलता हूँ। बेबी माँ को मनी ऑर्डर करके आता हूँ। बाय। गंदा है मगर अपुन का धंधा है। क्या लेंगे आप? चाय? नहीं कुछ नहीं। कॉफी? थैंक्स। कोल्ड ड्रिंक? थैंक्स। कुछ तो लीजिए। बियर मंगाऊं? नो थैंक यू। बियर लेंगी? मैं कुछ नहीं पीती। आपका कितने खूबसूरत है आप, आपका फिगर कितना अच्छा, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है। ये क्या कर रहे हैं आप? आ जाओ, आई लव यू। ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे प्यार हो गया है, प्यार करना मुझसे। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो चुप है। वो भी गई, ये भी गई, और 2000 रुपए भी गए। लगता है प्रोड्यूसर की दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या उस प्रोड्यूसर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? मैं उसका सर फोड़ दूंगा। नहीं नहीं रहने दीजिए, आप अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बात बढ़ेगी और बेकार में मेरी बदनामी भी होगी। सपना जी आप नहीं जानती हैं, ऐसे प्रोड्यूसरों की वजह से हमारी ये फिल्म लाइन बहुत बदनाम है। आप कहती हैं तो आज मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आपके साथ उसने जो बदतमीजी की है उसका बदला मैं एक दिन उससे जरूर लूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे दीदी को फोन भी करना है। आपकी दीदी? हाँ मेरी दीदी, मेरी प्यारी प्यारी बहन ज्योति, वो जूडो कराटे में तो एक्सपर्ट है। वो सारे शहर की गुंडे से डरते हैं, शेरनी है वो, शेरनी। ठीक है सपना जी, आप अपनी प्यारी प्यारी शेरनी जी, मेरा मतलब है प्यारी प्यारी बहन ज्योति को फोन कीजिए। मैं कल आपको फोन करके मिलता हूँ। आप बेफिक्र रहिएगा, मैं कुछ नए प्रोड्यूसर से आपको फिर से मिलाऊंगा और आपको तो हीरोइन बनाकर ही छोड़ूंगा, देखना। हाँ ओके बाय। बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन अपना भी नाम आजम भाई है, इसे भी सही रास्ते पर लाकर ही छोड़ूंगा। गंदा है मगर अपुन का धंधा है। हेलो हेलो। हाँ रहीम चाचा, हाँ कैसे हैं? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मैं सपना बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ ज्योति को फोन देना। क्या वो नहीं है? अच्छा ठीक है, वो आएगी तो फोन करने के लिए बोलना, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। अरे क्या ये लिखा है, किस तरीके के डायलॉग लिखते हो? फिर से लिख कर लाओ, मुझे नहीं करना। फिर से किधर से लिखेगा जी? अरे रोजी का फोन आया था क्या? आया तो सब आया था, देखिए ना इसमें होगा। कैसा है अमन? हाय। कौन है ये लोग, निकालो इनके यहाँ से। क्या रे निकल। अरे क्या निकल ना, ये बोला क्या है? अरे भाई क्या बोल रहे हो, आपके हैं हमारे ड्राइवर के बच्चे हैं। तो चुप, हमारे पुराने कपड़े पहनते थे। अच्छा पहचान नहीं रहे? ये अब सुनिन, ये अमन जी तेरे दोस्त ना, गांव के ना, अभी ये बहुत बड़ा स्टार किया, अभी अमन जी बोलने का, अमन साहब बोलने का, समझे क्या? बोलूंगा भैया। क्या बोलेगा? अमन जी चल आ जा। इधर गया, सुधर गया भाई। वेरी गुड अमन जी, नमस्कार। अरे हाँ ठीक है ठीक है, कैसे भाई रमेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। काम वाम मिला कि नहीं? नहीं यार देखो मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, क्या है कि तुम में टैलेंट नहीं है मेरी तरह, तुम मेरी तरीके के एक्टर नहीं बन सकते, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा तो है नहीं, अपने गांव लौट जाओ।
समझे? और सुनो, अगर तुम्हारे पास जाने के पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो। सपना जी, अपने बहुत बड़ा प्रोड्यूसर को इधर टाइम दिया है, एक बार अगर अच्छा। पसंद आ गया तो लाइफ सेट है एकदम। तो मैं लोगों से निपटो, मैं आता हूँ। हाय। ओह हाय। हाउ आर यू? ओह आई एम फाइन। अमन जी, आप? मैंने आपको फिल्मों में देखा है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात करती है। अमन साहब, मैं सपना जी का सेक्रेटरी हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर धूप बहुत है, तो हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। ओके। ओके। तो तुम ये रुको। हाँ, तुम ये रुको। ओके, आई जाओ जाओ। अच्छे आदमी। आइए आइए ना, बैठिए। सपना जी, आपको बताएं आप कैसी लगती हैं? बिल्कुल मालती देवी की तरह। एक्चुअली मालती देवी जब फिल्म लाइन में आई थी तो वो भी यहाँ इसी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन इतनी दूर नहीं बैठी थी, बिल्कुल करीब बैठी थी, बिल्कुल करीब और करीब ये? और करीब। आप क्या कर रहे हैं? क्यों, हीरोइन नहीं बनना क्या? मगर ये सब, अरे भाई ये सब मालती देवी ने किया था, तभी तो मैंने उन्हें हीरोइन बनाया। मैं तुम्हें भी हीरोइन बना दूंगा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ये क्या कर रहे आप? ये देखो, ये क्या कर रहे आप? बहुत बड़ी देखो, नहीं बात करो। क्या अमन साहब ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तुम भागकर चली आई? सपना जी, सपना जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम जानती नहीं वो कितने बड़े स्टार हैं? कितने बड़े स्टार हैं वो, यूं चुटकी बजाकर तुम्हें फिल्म स्टार बना सकते हैं। उनकी बात मान लेनी चाहिए थी तुम्हें। पागल हो गई हो तुम? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं इस दुनिया को भी इसी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। जानते हो यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों का दामन जो है वो मैला है। ये दिन में सफेद नजर आने वाले लोगों की आत्मा पे कितने धब्बे हैं ये भी जानता हूँ। अरे आधे से ज्यादा लोग तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगा जो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। सपना जी, इन्हें सीढ़ी बनाकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। तुम जानते हो तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा मिस्टर आजम। अभी तक तुम्हें सच्चाई ने तमाचा नहीं मारा है। इस जीवन के सच्चाई ने तुम्हारे साथ कोई घिनौना खेल नहीं खेला है, इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। जब तुम्हारे पेट की भूख सताएगी ना, और सर के ऊपर से छत खिसकती नजर आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तब तुम सच्चाई के साथ समझौता भी करना चाहोगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। धंधा है, लेकिन अब उनका धंधा है। हम और प्रोड्यूसर। अरे हाँ यार, तुम और प्रोड्यूसर, इसे प्रॉब्लम की क्या बात? क्या है कि तुम लोगों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम लोगों को प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ, समझे? अरे यार सॉरी अमन साहब, क्या है कि हमारे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है। दो दिन से हमने खाना ही नहीं खाया, हम कैसे प्रोड्यूसर बन सकते हैं? अकल के अंधे, तुझे प्रोड्यूसर मैं बनाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा पिक्चर पर। ये पैसे रखो और अपनी हालत थोड़ी ठीक करो, थोड़े अच्छे से रहो, समझे? और एक बात का ध्यान रखना, हीरोइन के लिए लड़की मैंने देख रखी है, उसी को हीरोइन बनाना है। क्या? मैं आपकी फिल्म की हीरोइन? जी हाँ, आप हमारी फिल्म की हीरोइन, वो भी अमन साहब के साथ। देख लेना, इस फिल्म के बाद आप बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएंगी। हुजूर, हुजूर, मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। अरे मैं इनकी सारी डेटे आपको दे दूंगा, क्योंकि हमें आपकी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई। कहानी? अरे कहानी तो अभी तक हम सुनाए नहीं ना आपको। अरे कहानी सुनाना तो दूर, अभी तक हम फाइनल भी नहीं किए। तो कहानी कब फाइनल करेंगे, शूटिंग खत्म हो जाने के बाद? कहानी तो पहले ही फाइनल करेंगे, बात दरअसल यह है कि कहानी अमन साहब फाइनल करेंगे। अमन साहब फिल्म की कहानी हीरो फाइनल करेगा? अरे कहानी तो क्या, फिल्म की हीरोइन, फाइट मास्टर, डांस डायरेक्टर, लोकेशन वोकेशन के साथ इस हीरोइन को भी वही फाइनल करेंगे। इसका मतलब है कि फिल्म के दो चार सीन भी वही डायरेक्ट करेंगे?
काहे नहीं करेंगे जी। लीजिए आप इसमें साइनिंग वर्क कीजिए, साइनिंग और मोटवा दीजिए। This is your signing amount and this fan. ये लीजिए बेबी। और सुनिए, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब दो साल तक बाहर की कोई फिल्म भी साइन नहीं कर सकते। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, तो करिए करिए। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, अगर एक बार ऐसे मौके हाथ से चला गया दोबारा हाथ नहीं आता, साइन करो फटाफट। जी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। व्हाट नॉनसेंस, ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। रमेश हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इस फिल्म के ऊपर और तुम चाहते हो किसी भी ऐसी वैसी लड़की को मेरे साथ हीरोइन बना दो। अरे आपने ही तो कहा था। क्या कहा था मैंने? कुछ भी नहीं कहा था मैंने। चुप रहो, मैं स्टार हूँ और मेरे साथ काम करके कितनी सारी लड़कियां स्टार बन चुकी। शालिनी कपूर, माधुरी बेंद्रे, करिश्मा पुरी, सबके सब स्टार बन के मेरे साथ काम करके। देखो इसे समझाओ, अगर इसे मेरे साथ हीरोइन का रोल करना है तो मेरी सारी शर्तें इसे माननी पड़ेंगी। सारी शर्तें मंजूर है सर। पक्का? अगर इसने हुक्म कीजिए। अगर इस लड़की को मेरे साथ हीरोइन का रोल करना है तो इसे एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। क्यों गुजारोगी ना इसे? समझाओ। समझाओ इसे, सबकी लाइफ बन जाएगी, करोड़ों रुपए कमा लोगे तुम लोग। समझाओ इसे, चलता हूँ। कमाल कर दिया। अरे इतना बड़ा ऑफर तुम्हें मिल रहा है, तुमने साफ मना कर दिया। रमेश कौन? दिनेश। एक हफ्ते पहले ये ऑफिस रमेश का होगा, आज मेरा है, कल भी मेरा रहेगा, परसों किसी और का होगा। आप हीरोइन बनने आई है ना? मैं आपको हीरोइन बना दूंगा। बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, करोड़ के बजट की, जिसमें 9-10 हीरो हैं। साइनिंग अमाउंट भी अच्छा दूंगा, अच्छी खासी हीरोइन बना दूंगा। अरे बाबा कट कट रहे। अरे क्या हो गया? अरे पंच खाली गया बाबा।
अरे डुप्लीकेट सिलेंडर, मैं जा रहा आराम करने में कब मैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ जी? मैं सपना। क्या काम है आपको मुझसे? जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? देखिए मुझे बहुत लड़कियां मिलती रहती हैं इस तरीके के, मैं आपको नहीं पहचानता। सुनिए, मैंने आपके साथ फिल्म साइन की है। अरे तो खरी होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो प्रोड्यूसर मुझे नहीं मिल रहा है। अरे तो मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारे और प्रोड्यूसर के बीच की बात है भाई। मगर आपने मुझे, मेरी जान वो मेरा स्टाइल है, अगर कोई लड़की मेरी बात प्यार से नहीं मानती तो मैं इसी तरीके से उसके साथ करता हूँ, समझ गए? भूल जाओ इस फिल्म को। ऐसी तो मैंने 50 फिल्में शुरू कराई हैं लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई, समझे? मेरी जान मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। देखो तुम मुझसे इसी तरीके से मिलती रहो, मेरा मनोरंजन करती रहो, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा, समझ गए? मेरा कहा मानो, ओके? तू रो रही है? अरे जल्दी से आंसू पोंछ ले, एक प्रोड्यूसर से तेरा अपॉइंटमेंट लिया है, अच्छी खासी रकम देगा। काम को जा रहा है खंडाला लोकेशन देखने, तुम भी उसके साथ चले जाना, उसके अलग से पैसे देगा वो। हरामखोर दल्ले, अपने फायदे के लिए मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले वहशी दरिंदे, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे घर में लड़की पैदा हो और उसके साथ भी कोई दल्ला वैसा ही सलूक करे जैसा तूने मेरे साथ किया है। तेरा अंतिम संस्कार भी तेरी बेटी के शरीर की कमाई से हो। तूने मुझे मारा, मुझे मारा तूने। मैं तो तुझे हीरोइन बना रहा था लेकिन तूने तो नहीं माना, मैं तुझे ऐसी चमक दूंगा जिंदगी भर याद रखूंगी। आज तक भाई पर हाथ उठाया, आज तक मेरे को हाथ दिया, मैं तुझे ऐसी ऐसी मजा सिखाऊंगा जिंदगी याद रखेगी। कौन है? मेरा नाम सुमित है, यूपी का रहने वाला, मुंबई में संजय दत्त बनने आया था, सोचा था फिल्मों में विलेन की पिटाई करूंगा मगर अब रियल लाइफ में तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। तू मुझे पीटेगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ, तू एक ऐसा नामर्द इंसान है जो औरतों पर अपनी मर्दानगी जाहिर करने की कोशिश करता है, और मैं एक ऐसा मर्द हूँ जो औरतों की इज्जत करता है और तेरे जैसे आदमियों की धुलाई करता हूँ। धुलाई शुरू करो क्या? मेरा नाम सुमित है, आर्टिस्ट हूं मैं। आप भी आर्टिस्ट है ना? चेहरे से ही लगता है। अरे आप रोना धोना बंद करिए, लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं आपको छेड़ रहा था, मेरी धुलाई कर देंगे। अरे अमृत भाई, एक मिनट मैं आता हूं। सर जी। अरे सुमित क्या हाल है? बस ठीक है जी। कौन है ये लड़के? आर्टिस्ट है, हीरोइन बनने आई है। मिला, अभी बुलाता हूँ। सपना, सपना फोटोग्राफ है आपके पास? नहीं। तो आप ऐसे कैसे स्ट्रगल करती है फोटोग्राफ के बगैर? फोटोग्राफ सर कल निकलवा देता हूँ सर। हाँ ठीक है, फोटोग्राफ लेके ऑफिस में आ जाना। जी सर। लेकिन हम फोटो कहाँ से खिंचवाएंगे, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अरे उसका टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त है राजा, बहुत अच्छा स्टिल फोटोग्राफर है, हम दोनों उसके पास जाएंगे तो वो आपका फोटो सेशन जरूर कर देगा। अरे वाह भाई,
शर्मा क्यों रही हो? पति हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। हाँ, I love you, darling. अरे किसका फोन हो सकता है? हेलो, अरे राजा भाई, सुमित बोल रहा हूँ। हाँ सुमित बोलो। अरे एक लड़की का फोटो सेशन करना था। क्या फोटो सेशन करवाना? ठीक है, वो आर्टिस्ट को स्टूडियो में लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। ठीक है सुमित, अब तू कहता है तो मैं इनकी फोटो सेशन कर देता हूँ। अरे पैसे वैसे की क्या बात है, जो समझ में आए दे देना। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। लेकिन इनके फोटोग्राफ मुझे कल अमरीश जी को दिखाने। कल? अरे यार कल तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये फोटोग्राफ मुझे चंद्रा जी के यहाँ डिलीवरी करनी। चंद्रा जी के? अरे मैं चले जाता हूँ, तू इनका फोटो सेशन कर दे। ठीक है, तू कहता है तो मैं फोटो सेशन कर देता हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। फोटो सेशन से पहले कोल्ड ड्रिंक हो जाए। ओके। ये लो। मजा आया? पीजिए पीजिए। हाँ पूरा पीजिए। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? घर वालों की याद आ रही है? अरे घर वालों की याद तो मुझे भी आती, लेकिन मैं रोता नहीं हूँ। खैर ये देखो तुम्हारी तस्वीरें। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब बेटा, तुम्हारी तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। क्या है कि तुम्हारे अंदर हीरोइन बनने के सारे गुण मौजूद है, तुम मेरी हीरोइन अपने आप को फाइनल समझो। मैं जरा अपने फाइनेंसर को फोन कर देता हूँ। अरे मेरी चमक चल रही है, जरा चिपक जा। टेलीफोन की घंटी बज रही है। टेलीफोन की घंटी बज रही है, देखो ना कोई आ रहा है।
क्यों डार्लिंग, कितनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, खोला क्यों नहीं? सो रही थी ना। सो रही थी? ये सामने फोन की घंटी बज रही है, ये भी नहीं सुनाई दिया? सॉरी। हेलो सर जी, नमस्कार सर जी, मैं अपनी फिल्म के लिए हीरोइन पैनल कर रहा था सर जी, मैंने सोचा आपसे भी एक बार मिलवा दूं। देखिए भाई अमृतलाल, आप किसे हीरोइन ले रहे हैं और किसे काम दे रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप धंधे की बात कीजिए, बस पैसे ले जाइए और हमें ब्याज दे दीजिए। ओके, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भाई? इतने दिन कहाँ थे? काम धंधा भाभी, आप तो जानते हैं कि काम धंधे में बहुत, एक गिलास पानी पिला दीजिए और चाय भी पिलाओ इसे। ये अमृतलाल का फोन है, बात कर रहा कुछ लड़कियों की, आप ही बात करो। पैनिस करना है तो लड़की तो देखनी पड़ेगी ना। आप ही बात कर लो ना अभी। हेलो अमृत सर जी, नमस्कार। बोल भाई, कब पैसे चाहिए तुझे? सर जी आज ही दे दीजिए, मैं कल से शूटिंग शुरू कर देता हूँ। अरे यार मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम तू अपनी फिल्म के हीरोइन से मिला दे। हाँ क्यों रे सर, वो तो मेरे सामने बैठी है मेरे ऑफिस में, आप आ जाएंगे आपको भी मिला देता हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, एक मिनट, इनसे मिलवा रहा है। बस यही बात तेरे में बुरी है, लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है। अरे माल दे रहे, हीरोइन से तो मिलना ही पड़ेगा ना, एक ना एक दिन अपनी कंपनी डूब जाएगी। यार तू भी कमाल, एक मिनट। अमृत जी आपकी, इनको फाइनल कर लीजिए आप। थैंक यू सर। आपको कितने पैसे चाहिए और कब चाहिए बोलिए, आज ही दे दीजिए सर, मैं कल से शूटिंग शुरू कर दूंगा। अमृत जी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सर आपकी सारी की सारी शर्त मंजूर है, हुक्म करिए आप। ये लड़का कौन है? ये भी हीरो बनने आया था। हीरो बनने आया, इसको बाहर भेजो। बेटे तू थोड़ी देर बाहर जा, मैं बाद में बुलाता हूँ, जा। जी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है अमृत जी, जी वो शर्त ये है कि इस लड़की को एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है, हीरोइन बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए क्यों खर्च करूंगा भाई, क्यों करूंगा भाई? जी जी फिल्म बनानी है ना, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहोगे उतना मिल जाएगा, लेकिन मेरी शक्ता जी बोलिए। ओके गुड बाय, चलो अहमद। ओ त्रिपाठी देख लिया ना अपना असर, लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है, धंधे की बात किया कर। सपना जी आप इस लाइन में नहीं है, चंद लोगों को छोड़कर आपको यह सब ऐसे ही मिलेंगे, आप उनकी बात मान जाइए प्लीज, हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, मुझे मंजूर है।
क्या हुआ यार, नंबर क्यों नहीं लग रहा? कहाँ हो गई सपना? ना तू लड़की के चक्कर में पड़ता, ना वो पैसे लेके भागता। क्या हुआ? अरे होना क्या था, साला चीटर था प्रोड्यूसर, पैसे लेके भाग गया। क्या? हाँ। और ये सब तेरी वजह से हुआ विनोद, तेरी वजह से। जानते हो इस लड़की की एक रात की कीमत कितनी चुकाई है तूने? हैं? पूरे 30 लाख। सुनो, अब सुनने के लिए रही क्या गया है?
मैं जिंदगी में अकेला था, किसी अपने का इंतजार कर रहा था। तुम मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई अपना सा मिल गया है। लेकिन जिस रास्ते पे तुम जा रही हो, उस रास्ते पे मैं दो कदम भी नहीं चल सकता। सुमित, मुझे समझने की कोशिश करो, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि। सपना जी, जो लोग हालात से समझौता करते हैं वो लोग बहुत कमजोर होते हैं, और कमजोर लोगों की तो परछाई भी साथ नहीं देती। मैं तो इंसान हूं। होटल का बिल 24,000 रुपए हो गया है। अगर आपने कल तक नहीं दिया तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम यहाँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? धंधे की कसम, मेरा तो धंधा ही ब्याज का है। गारंटी ले आओ और पैसे ले जाओ ब्याज काट के। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा, और जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी तुम्हारा सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगी। सौदा बड़ा नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ 10,000। 10,000 बस? ये लो। मजा आ गया विनोद सेठ, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजा था, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी तड़पते तड़पते मौत के आगोश में बदल जाएगी। मतलब? मतलब ये कि आज तुमने मुझे नहीं अपनी मौत को गले लगाया था। त्रिपाठी, अबे ओ, क्या बात है, क्यों औरतों की तरह रो रहा है? अरे यार, मैं मरने वाला हूँ यार। मरने वाला है? क्यों, किसी भाई ने धमकी दी है क्या? अरे यार, कोई भाई धमकी देता तो मैं दूसरे भाई के पास जाकर सेटलमेंट करवा लेता, लेकिन मुझे जितनी भयंकर बीमारी लग गई है कि जो लाइलाज है। अरे क्या लाइलाज है, कौन सी बीमारी लगी है कुछ बताओ तो सही। मुझे एड्स है। एड्स है तुझे? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, साले लड़कियों के पीछे घनचक्कर बन के घुमा करता था ना, अब मौत तेरे पीछे घूमेगी। ऐसी बीमारी लगी है तुझे कि तू तड़प तड़प के मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। और सुन, एक बात तुझे समझाता हूँ, आज के बाद मेरे पास आना भी नहीं, और तेरा मेरे साथ खाना पीना सब कुछ बंद, क्योंकि तेरी बीमारी मुझे भी लग जाएगी। अरे लग क्या जाएगी, तुमको भी लग चुकी है। क्या? कैसे लग जाएगी यार, मैं कौन सा तेरे साथ सोता हूँ? अरे तुम नहीं सोते तो क्या हुआ, तुम्हारी बीवी तो मेरे साथ सोती है ना। अगर मुझे ऐसे तो तुम्हें भी है, क्योंकि मेरे जरिए तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बीवी के जरिए तुम्हें। सोच लो, अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे। तेरा संबंध मेरी बीवी के साथ है? आगे। 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 आगे।
इस लड़की ने बीमारी दी है तुझे। सपना ने मौत से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है मगर कामयाब नहीं होगा क्योंकि दुनिया की किसी भी इंसान की रफ्तार मौत से ज्यादा तेज नहीं है तो बचकर जाएगा कहाँ तुझे तो देख लूंगा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं अच्छा तेरा पार्टनर तुझे जिंदा छोड़ेगा तब ना वैसे तुझे एक बात बताऊं तुझे एड्स नहीं है क्योंकि मुझे भी एड्स नहीं है क्योंकि मैंने तेरे दिमाग में ये बात इसलिए डाली थी कि तू बौखला जाए और कोई ऐसा कदम उठाए जो तुझे मौत तक ले जाए आज वही हुआ मौत तेरे पीछे है तू बचेगा नहीं और मैं अपने इसी दिमाग की ताकत से सारे दरिंदों को खत्म कर दूंगी तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है चल भाग जा यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा डायलॉग सुनता रहे और मौत तुझे अपनी आगोश में ले ले चल भाग जा यहाँ से चल भाग Shut up!
सुनने वाले लोग इसे इतिहास बना देंगे। अपने दिन गिनना शुरू कर दे हिम्मत शाह, मेरी बहन ज्योति जरूर आएगी, जरूर आएगी, आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी, मेरी मौत का बदला लेने जरूर आएगी। हरामखोर, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी ना तूने, आज मैं तुझे तेरी ही जिंदगी से मुक्ति दिला दूंगी। वाह, क्या ताकत है, बिल्कुल श्रीदेवी की तरह। क्या जलवे हैं, बिल्कुल रेखा की तरह। अगर तू बोले ना तो अपन तेरे को टॉप के हीरोइन बना देगा। वाह, क्या कमीनापन है तुझ में हरामखोर, औरत के हाथ से मार खाने के बाद भी अंदाज बदला नहीं तेरा। धंधा है लेकिन अपन का धंधा है, पहले लड़की अपन को मारती है फिर कमा के खिलाती है। औरतों की कमाई खाने वाले दल्ले जो औरतों की कमाई खाते हैं, पता है औरतों की नजर में उसकी औकात एक कुत्ते की तरह होती है, जिसे लोग पत्थर मार मार कर मार डालते हैं। और आज मैं उसी कुत्ते की तरह तुझे मार मार कर खत्म कर डालूंगी। ये, ये। खुलेआम हत्या हो जाती है और आप अब तक कोई सबूत नहीं जमा कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ कोशिश कर रहे हैं आप, कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, इंतजार कर रहे हैं एक तारीख का, ताकि एक तारीख आए और आपको अपनी तनख्वाह मिले। कितने जूनियर ऑफिसर आए और तरक्की पा गए,
लेकिन आप अब तक यहीं के यहीं हैं, और आप अब तक यहाँ इसीलिए हैं कि आप अपने लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए नहीं सोचते आप। क्योंकि अगर आपने अपने देश के लिए सोचा होता तो आपने भी तरक्की की होती और हमारे देश ने भी तरक्की की होती। आई एम सॉरी सर, मुझे एक मौका और दीजिए। नो वे, आपको मौका देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने आपको बहुत मौके दिए लेकिन आपने कोई कारनामा नहीं दिखाया। अब तो हमारे सारे डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि ये केस हम ऐसे ऑफिसर को देंगे जिस पे हमें नहीं सारे डिपार्टमेंट को भरोसा है, और वो ऑफिसर है इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार। तुझे सुधरने के दो मौके दिए, तू नहीं सुधरा, अब तीसरा मौका नहीं। प्रवेश कर बच्चे। हत्या हुई है। यस सर। और हत्यारे का अभी तक कोई पता नहीं है। आई नो सर। मुझे किसी भी कीमत पर हत्यारा सलाखों के पीछे चाहिए। बहुत जल्द हत्यारन सलाखों के पीछे होगी सर। हत्यारन? यस सर। तुम्हें कैसे मालूम? आजम के शरीर पर जिन उंगलियों के निशान मिले हैं
उन पर नेल पॉलिश लगी हुई है। और हाँ सर, जहां पर आजम की लाश मिली है वहां पर लेडी शू के निशान भी मिले हैं, और इसके अलावा जिस लोहे की रॉड से उसे मारा गया है उस पर भी लेडी उंगलियों के निशान है। आखिर वो लड़की हो कौन सकती? तस्वीरें क्यों खींची? बोलो। तेरी ये जलील हरकत तेरी औरत को बताने के लिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो ये है जो तुम्हारे आंख के सामने आई है। अपनी पेशे के साथ गद्दारी करते हो, उन मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो, और उसकी सजा मिली है मुझे। हाँ मुझे, तुम्हारे इन्हीं गंदे हरकतों की वजह से भगवान ने हमें बेऔलाद रखा, और मैं आज तक मां नहीं बन पाई। तुम जैसे इंसान के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। देखो रूबी, तुम घर छोड़ के मत जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं कहाँ चली गई मेरी बीवी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो तू क्या समझती है कि मेरे परिवार को तोड़कर तू जिंदा बच जाएगी? हाँ, कौन मारेगा मुझे? तू? अबे छक्के, थोड़ी देर पहले तो अपनी बीवी से मार खा रहा था, तू क्या मारेगा मुझे? बहुत बोलती है तू, लगता है तेरा भी इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं बोलती भी बहुत अच्छी हूँ, और ठुकाई भी उससे अच्छी करती हूँ। करके दिखाऊं क्या? एक हत्या और हुई है। I'm sorry, sir. शायद ये हत्या भी उसी लड़की ने की है। शायद नहीं सर, यकीनन, क्योंकि मरने वाले दोनों आदमी फिल्मी थे। एक कोऑर्डिनेटर जो लड़कियों से गलत धंधा करवाता था, और दूसरा स्टिल फोटोग्राफर जो थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी था। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़की जो हत्याएं कर रही है, इन लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया होगा। और ये भी हो सकता है कि इनके अलावा कुछ और लोग हों और ये लड़की उनकी भी हत्या करने की कोशिश करे। हम उसकी कोशिश को नाकामयाब कर देंगे सर, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 12 घंटे के अंदर अंदर वो सलाखों के पीछे होगी। डू योर बेस्ट एंड डू इट सून, ओके? हेलो कमिश्नर, आप कौन बोल रही हैं? मैं वो बोल रही हूँ जिसकी आपको तलाश है। पुलिस को तो हर वक्त गुनहगारों की तलाश होती है। मैं एक कातिल हूँ। अच्छा? यस, मैंने ही आजम और राजा का कत्ल किया है।
देखिए आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। कत्ल करना मेरा पेशा या शौक नहीं, मेरा इंतकाम। और जिस दिन मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। जिसने भी आपको नुकसान पहुंचाया उसे सजा कानून देगा। अदालत से सिर्फ तारीखें मिलती है, तारीखें, सजा नहीं। और आपकी अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है। ना ही मेरे पास सबूत है और ना ही कोई गवाह, इसलिए उन सबको मैं सजा दूंगी, मैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप। आप मेरी बात सुनिए। कुछ ही देर में मैं फिल्म निर्माता अमृत लाल की हत्या करने वाली हूँ। और हाँ, बीच में मत आना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और जिस दिन मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। हेलो हेलो, फोन रख दिया उसने। ये वही लड़की है इंस्पेक्टर? यस सर। ऑफिसर? यस सर। पता करो फिल्म प्रोड्यूसर अमृत लाल का फार्म हाउस कहाँ है और उसका फोन नंबर क्या है। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर अश्विन बोल रहा हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, बोलो। हेलो 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 हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, कौन बोल रही हैं आप? मैं ज्योति बोल रही हूँ। अमृत लाल की मौत, देखो तुम अमृत लाल को कुछ नहीं करना। देखो मैं यहाँ भजिया तलने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? आज मैं अमृत लाल को मार कर ही रहूंगी। हाँ, 10 मिनट तक उसकी धुलाई करूंगी और 11वें में कत्ल। हाँ, 11 मिनट से पहले पहले आ सकते हो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, वरना तुम्हें अमृत लाल की लाश मिलेगी जिसमें मक्खियाँ भिन भिना रही होंगी। पागल हो गई क्या तो? Yeah!
आने में थोड़ी देर कर ही दी। मैंने अमृत लाल को मार ही डाला। तुम? मुझको है कहा बेकाबू
हेलो हेलो सब, जैसे यहाँ पर हंगामा कर दिया है, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, आप जल्दी चले आइए सब, जल्दी। क्या बात कर रहे हो, उस लड़की को रोकने की कोशिश करो, देखो वो भाग ना रह पाए, मैं भी आता हूँ। तुम उस खूनी लड़की को जानते हो? यस सर, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ज्योति की बहन सपना फिल्म में हीरोइन बनना चाहती थी, और ज्योति ने अपनी बहन सपना की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, और आज हम मिले भी तो इस हालत में। अश्विन, तुम वर्दी पहनकर जज्बात के रास्ते पे चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी वर्दी पे धब्बे लग सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा काबिल इंसान दिमाग की जगह दिल से काम लेगा। आई एम सॉरी सर, सर मैं जज्बातों के रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वो लड़की निर्दोष है। क्या, जिस लड़की ने खून किए हैं वो निर्दोष है? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, कहना चाह रहा था कि आप मिस्टर अश्विन, अगर आपको अपने दिल की बात सुननी है तो इस्तीफा दे दीजिए। सर मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए, अगर 24 घंटे के अंदर मैं ज्योति को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश नहीं कर पाया तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ 24 घंटे। थैंक यू सर। सर आओ। इंस्पेक्टर अश्विन, तुम जानते हो मैं वो आंधी हूँ जिसे रोकना आसान क्या बल्कि नामुमकिन है। तो तुम भी जान लो कि कानून के सामने कोई आंधी तूफान टिक नहीं सकता, इसलिए मेरी बात मानो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना किसी दिन कानून की गोली तुम्हारे भेजे से टकरा कर तुम्हारा वजूद खत्म कर देगी, समझी? जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा तब तक कानून की गोली क्या यमराज भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता। ज्योति समझदारी से काम लो। मेरे सर पर एक जुनून सवार है, जुनून। जिन लोगों ने मेरी बहन को मुझसे छीना है मैं उन लोगों से उनकी जिंदगी न छीन लूं, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। देखो ज्योति, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे अंधेरे में ले जा रही हो जहाँ पर एक रोशनी की किरण भी नहीं पहुँच सकती। मेरी जिंदगी तो उसी दिन अंधेरे के समुन्द्र में डूब गई थी जिस दिन मेरी बहन की हत्या हुई थी। और हाँ, जिन जालिमों की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है उन जालिमों का खात्मा करना ही मेरा मकसद है। और सुनो, मेरे मकसद के बीच मत आओ, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं अपने प्यार को भी कुर्बान कर दूं। हेलो हेलो हेलो, ओह माय गॉड, उसका अगला शिकार कौन होगा? हाँ हेमंत शाह, तेरी जिंदगी की चंद सांसें बची हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मौत तुझे अपने आगोश में ले लेगी। ए, कौन है तू और क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुझे मैं वक्त दे रही हूँ। ठीक 10 मिनट बाद मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तू चाहे तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर सकता है। इंस्पेक्टर अश्विन इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। ए, सुन, ना तो मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत है और ना ही मैं तेरी धमकियों से डरने वाला है, और ना मैं उन मर्दों में से हूँ जिनकी फोन पर धमकी सुनकर पेंट गीली हो जाती है। अच्छा? हाँ, और अभी तूने मेरी मर्दानगी देखी ही कहाँ है। अगर मर्दानगी देखना चाहती हो तो जरा सामने आओ, फिर मुझे भूल ना पाओगी। बहुत बड़ा मत
समझता है अपने आप को? अब तो तेरी मर्दानगी मुझे देखनी ही पड़ेगी। ठीक 10 मिनट बाद हमारी मुलाकात होगी। कहाँ? जगह तुम तय करो। तो ठीक है, अब से 10 मिनट बाद एसएल स्टूडियो के पीछे जंगल में। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। तो तू है जो मुझे मारना चाहती है? एक औरत होकर मर्द को मारेगी? अरे तू मर्द कहाँ है रे, तू तो छक्का है छक्का। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इन मर्दों का सहारा लिया है। ये मर्द भूखे शेर हैं, बहुत दिनों से इन्होंने कोई शिकार नहीं किया। आज ये तेरा शिकार करके अपनी हसरत पूरी करेंगे। मैं कोई बकरी की बच्ची नहीं हूँ जो तू मेरा शिकार करेगा। अरे मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी जिसके पंजों से ना जाने कितने गुनहगारों की मौत हुई है। आज के बाद ये तेरे पंजे सिर्फ तेरा मुंह छुपाने के काम आएंगे, क्योंकि अब हम तुम्हारी वो हालत करेंगे कि आज के बाद तू किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं जाएगी। जरा मेरी तरफ कदम बढ़ाकर तो देखो, फिर पता चलेगा तुम्हारे इरादों में दम है या मेरे पंजों में। अश्विन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर अश्विन साहब, मैं ज्योति बोल रही हूँ। अरे ज्योति, तुम कहाँ से बोल रही हो? सवाल मत करो, सिर्फ सुनो। मैंने हेमंत शाह को उसके गुनाहों की सजा दे दी है। अरे ज्योति, तुमने ये क्या किया? अरे मेरी बात तो सुनो, हेमंत शाह की लाश इस वक्त एसएल स्टूडियो के पीछे वाली जंगल में पड़ी है। लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आने से पहले, आपके पहुंचने से पहले चील कौवे उसकी लाश को आराम से खा चुके होंगे। वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप मेरे आखिरी दुश्मन फिल्म स्टार अमन कुमार को बचाने की कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 घंटों के अंदर ही अंदर मैं उसे भी मौत के घाट उतार दूंगी। सिर्फ 10 घंटे। हेलो, अमन कुमार का कत्ल ज्योति मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है कि एक लड़की मुझे यहाँ कर मार सकती है? इट्स इम्पॉसिबल, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, एक लड़की ने हमें फोन पर चैलेंज दिया है। इंस्पेक्टर, इस तरह की धमकियां मुझे भाई लोग बहुत देते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर के जाकर पिंजरे में छुप जाऊं। अगर मैं डर जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? इंस्पेक्टर, एक लड़की तो क्या मुझे तो मर्द भी नहीं मार सकता। यू डोंट वरी। देखिए सर, भले ही आप इस बात को नजरअंदाज करें, लेकिन आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्लीज कैरी ऑन। डायरेक्टर, क्या सीन है? सर, आपको विलन बहुत मारता है, बहुत मारता है, आप बेहोश होकर नीचे गिरता है, फिर आप उठता है, फिर आप उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, लेकिन विलन कहाँ है? विलन जी मेकअप रूम में मेकअप करा रहा है। अरे तो बुलाओ से। ए चल, इस विलन की तरह मेरा मेकअप कर। करता हूँ।
जी वाह वाह जी, ऐसा एक्शन तो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया। मरने का क्या एक्टिंग किया आपने जी, अब आपकी बारी है, उठिए, उठो जी, अब आपकी बारी जी, उठो जी, आप तो कभी नहीं उठेगा, उठो जी, भाइयों, oh my god, ये तो मर गया। ज्योति तुमने